नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा विभिन्न मदों के तहत एक पुस्तक की तैयारी में किए गए व्यय को दर्शाता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, बाइंडिंग और प्रिंटिंग पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोण के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए पूरा जो व्यय है वो 100% है, ठीक है, 100% पूरे सर्कल को डिनोट करता है। तो पूरे सर्कल में कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो 100% कितना हो गया, 360 डिग्री। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है बाइंडिंग यानी 30% और प्रिंटिंग यानी 25%, इनके बीच का जो एंगल का डिफरेंस है वो निकालना है। अगर मैं परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस देखूं तो कितना है, 30 - 25 यानी 5%, ठीक है। 100% की वैल्यू है 360 डिग्री, हमें 5% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, 100 से 5 तक आने में कितना करना पड़ेगा, 20 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां भी 360 को 20 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 18। तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। तो मतलब जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो सही आंसर है।